साहब आपका? नमस्कार, मैं विजय सिंह मर्तोलिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष INTUC, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस। जो आप प्रोग्राम कराने जा रहे हैं कानपुर उत्सव, उसके बारे में जानकारी दें। कानपुर उत्सव कराने का मेन मकसद हम लोगों का है कि कानपुर की जनता ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो और कानपुर के धरोहर के बारे में हम कानपुर के जनता को बताना चाहते हैं कि कानपुर में क्या क्या धरोहर कानपुर की है, जो नए युवा अभी जानते नहीं हैं, और कानपुर की संस्कृति के बारे में भी लोग नहीं जानते हैं, जबकि इतिहास गवाह है कि कानपुर एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है और कानपुर में उद्योगों की जैसी संख्याएं दिन प्रतिदिन घटते जा रही है, उस विषय में लोगों को जानकारी देना। और उद्योगों के बंद होने की वजह से कानपुर की जनता की बेरोजगारी जो हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी देना कि आखिर रोजगार कैसे है, हम लोग रोजगार कैसे पा सके, किस ढंग से हम रोजगार करें। उस ढंग के उस कार्यक्रम को के माध्यम से हम कानपुर की जनता को इस चीज़ को दिखाएंगे। कौन सी तारीख को करने जा रहे हैं ये कार्यक्रम? ये 26 जनवरी से 2 फरवरी तक 8 दिन का है, जिसमें कम से कम 250-300 दुकानें भी लगेंगे। रोज नया नया कार्यक्रम होगा, जैसे कि एक शाम पुलिस के नाम, एक शाम शहीदों के नाम, और एक शाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम, एक शाम ये सफाई कर्मचारियों के नाम। इस तरह से कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बीच बीच में होंगे। उस माध्यम से भी हम एक गैलरी बनाएंगे, उस गैलरी के तहत जितनी भी जनता आएगी वो जनता ये देखेगी कि कानपुर की क्या क्या धरोहर है, कानपुर की क्या संस्कृति है और कानपुर है क्या। जो ये प्रोग्राम हो रहा है ये कहाँ पे होगा? ये सेंट्रल पार्क में होगा, जो शास्त्री नगर में है, और वहाँ पर पूरी जोर शोर से तैयारियाँ भी चल रही है। हमारी सारी टीमें उस जगह पर लग चुकी हैं और कार्य अपने स्तर से कर रहे हैं।